सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन फॉर बिगनर्स। मेरा नाम है ध्रुव और आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ बेहतरीन लैंग्वेज पाइथन। दिस विल बी द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। पाइथन किसने डेवलप करी थी? क्यूडो वैन रॉसन, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने पाइथन बनाई थी। इसको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप एक कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो मतलब पता होना चाहिए कि आप किसने बनाई थी वो। अब कहाँ कहाँ ये वाइडली यूज़ होती है, एक तो वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और बहुत सारे सेक्टर्स में। अब देखते हैं कि क्या क्या आपको इंस्टॉल करना होगा आपको इस पाइथन लैंग्वेज को चलाने के लिए। सबसे पहले एक पाइथन उनकी खुद की वेबसाइट से एक ये और कोई सी भी आईडी, जो आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अपने कोड्स टाइप कर सकते हो। एक तो पाइचाम हो सकती है, एक वी एस कोड हो सकती है। मैं रिकमेंड करूँगा आप वी एस कोड यूज़ करें, काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है। बाकी आपकी जैसी चॉइस, आपको जो आईडी पसंद हो, कोई और आईडी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा वी एस कोड। अब आइए देखते हैं इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल कैसे कर लेते हैं। खोल लीजिए अपने गूगल। गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है पाइथन। टाइप करने पर जो पहली लिंक आएगी उसको क्लिक करने पर बाद यहाँ डाउनलोड्स के सेक्शन में जाके जस्ट फर्स्ट बटन दबा के आपका ये पाइथन डॉट exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप अपने डाउनलोड्स में जाके इसको नॉर्मली सिलेक्ट करें, इंस्टॉल करें। सबसे मेन बात, ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ कर दीजिएगा, वरना दिक्कत होती है चलने में। बस इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल नाउ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास है इंस्टॉल्ड इसलिए मैं वापस नहीं करने वाला, मैं बस बता रहा था आपको। अब वी एस कोड डाउनलोड करने के लिए वापस गूगल पे जाके वी एस कोड टाइप करें और वी एस कोड की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड में जाइए। अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करें, मैक यूज़र है मैक, या फिर लिनक्स के लिए लिनक्स। मैं विंडोज़ यूज़र हूँ तो विंडोज़ पे जाके यहाँ सिंपली डाउनलोड कर लूँगा। अब मेरे पास ये भी डाउनलोडेड है तो मैं ये डाउनलोड नहीं कर रहा, आप इसको डाउनलोड करें और नॉर्मली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वी एस कोड डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। आपको इसके अंदर सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। मेरा यहाँ डेस्कटॉप पे बना हुआ है एक पाइथन कोर्स करके, यहाँ सेलेक्ट किया मैंने उस फोल्डर को और वो फोल्डर करने के बाद ये खुल जाएगा यहाँ पे। अब सिंपली आपको सारी फाइल्स एक फोल्डर के अंदर बनानी है ताकि आसानी रहती है। सारी चीज़ें आपकी एक ही, सारे कोड्स आपके उस फोल्डर में मिल जाएँ आपको आसानी से। मैं यहाँ पे कोड्स करके एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बनाने के बाद उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करवा देता हूँ। आप एक्सटेंशन के इधर जाके टाइप करें पाइथन। पाइथन टाइप करने पे जो फर्स्ट ये आएगा इसको इंस्टॉल कर लेना है, फिर उसके बाद कोड रनर टाइप करके ये भी आपको इंस्टॉल करना है। और कुछ सेटिंग्स आपको मैं करवा देता हूँ। आपको यहाँ फाइल में जाके ऑटो सेव को चेक कर लेना है तो ताकि आपको बार बार कोड को कंट्रोलर से सेव ना करना पड़े, आसानी रहेगी। अब एक सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके माउस व्हील स्क्रोल, हाँ एडिटिंग विद माउस व्हील, मतलब कंट्रोल दबा के आप माउस कर व्हील को आप घुमाओगे तो कोड छोटा बड़ा हो जाए, इसको भी आप चेक कर लेना, ये भी आसानी करता है कोड में। उसके बाद हम लोग एक और फाइल बनाएंगे, एक कोड रन करके देखेंगे कि हमारा इंस्टॉलेशन सब प्रॉपर हुआ है कि नहीं। एक और तरीका, आप इसको विंडोज़ में जाके आप पावर शेल टाइप करें और विंडोज़ पावर शेल में जाने के बाद आप यहाँ पे पाइथन टाइप कर दीजिएगा। अब ये कर प्रॉम्प्ट खुल जाता है, इसका मतलब आपका सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल हुआ है। आप उसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर वर्जन टाइप करूँ तो मेरा, अरे मैं बिना एग्जिट करे टाइप कर दी, यहाँ एग्जिट करके यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पाइथन वर्जन तो मेरे को दिखा देगा पाइथन 3.9.5 मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इसका सक्सेसफुली आपने इंस्टॉल कर लिया पाइथन। इसके बाद एक कोड टाइप करते हैं चेक करने के लिए हमारा चल रहा है कि नहीं। हेलो वर्ल्ड सबसे पहला प्रोग्राम, अब ये मेरा रन कर रहा है प्रॉपर से। तो कोड रन हो गया हमारा प्रॉपर। अब एक और चीज़, एक नई बताता हूँ मैं आपको, शॉर्टकट्स थोड़े से ध्यान रखने। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाइए
और यहाँ पे टाइप करिए रन कोड। रन कोड में आप अपने हिसाब से कोई सा भी शॉर्टकट रख सकते हैं जो आपको इजी लगे। ये बहुत बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये सब भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए कीप कोडिंग।